ये है चंपावत का चाय बागान। क्यों मंजीत, पानी होता तो तुमको हम इसमें कुदवा देते, ठंडी में मजा आ जाता। बर्फ जम गई थी शीत की आज भी। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों मैं हूं नवनीत और मेरे चैनल देसी मोटाड में आपका स्वागत है। तो अभी हमारी जो है उत्तराखंड की कैंपिंग की ट्रिप चल रही है, कि एक दो वीडियोस आपने देख लिए होंगे। तो ये जो ग्राउंड है यहाँ पे हम नाइट स्टे किए थे, यहाँ पे हमने कैंपिंग किया और बहुत अच्छे से हमारी कैंपिंग हो गई और ठंड वंड भी नहीं लगी। अब आज का प्लान ये है कि आज भी हम चंपावत में ही रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो यहाँ पे एक स्कूल का ग्राउंड है वहाँ पे आज स्टे करेंगे। उससे ये फ़ायदा है कि थोड़ा शहर में हो जाता है, प्लस टॉयलेट वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे टॉयलेट की बड़ी दिक्कत हो गई थी और वहाँ पे ये रहेगा कि वहाँ पे सामुदायिक शौचालय भी है, तो टहलते हुए घूमते हुए या गाड़ी से 10 मिनट की दूरी पर जा सकते हैं। तो अब थोड़ा सा घूमेंगे भी आज। गाड़ी वाड़ी सब हमने आज जो है पूरा पैक करके एकदम सेट कर दिया कायदे से। बज चुके हैं 11, काफ़ी देर लग गया ये चीज़ों को वापस से सेट करने में, बर्तन वर्तन रात के धोने में। तो 11 बज चुका है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ले दे के 6 घंटे हैं पूरे दिन के, 11 से लेके 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद हमको अपना तंबू गाड़ लेना है। A few moments later. आ जाओ चलते हैं मंजीत, और अपने लिए टिकट ले लूं। ये है चंपावत का चाय बागान, और अब यहाँ से हम वहाँ ऊपर जाएंगे और वहाँ से शायद वैली का व्यू लेंगे। वैसे ये सब जो है आप देख रहे हो चाय की पत्तियाँ ही हैं, चाय हैं। मैं देख चुका हूँ पहले बचपन में, बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ। ऊपर आ गए, कोई बात नहीं। ये देखो ऊपर आने के बाद इधर का नज़ारा देखो, ये वहाँ तक टी गार्डन है और इधर तक है, थोड़ा दिखाया जाए। और बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग जब ऊपर आए हैं तो जितने भी लोग थे ऊपर वो लोग चले गए, एक पार्टी और आ रही है, उनके आने से पहले ये जो सारा मज़ा है ना वो हम अकेले कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार पूरा दिखाता हूँ, आ जाओ इस साइड का, ठीक है। अब इतनी टांगे तोड़वा के आए हैं तो बनता है। सर 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 फर 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 फर, अब इधर आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़े थे और ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का, ये मतलब मेरे ख्याल से ना ये बोटैनिकल टी गार्डन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत दूर तक नहीं है, गवर्नमेंट वाला है तो ये लिमिटेड है। यहाँ पे इस जगह पे ये टी की गार्डनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है चलो अच्छी बात है। और टी गार्डन में ऊटी वगैरह, शायद ऊटी में देखा था बचपन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अब वहाँ होता है कि नहीं मालूम नहीं, बट शायद देखा वहीं था। खैर कोई नहीं, हम लोग देख लिए हैं। और यहाँ पे देखो ये स्विमिंग पूल जैसा बना रखा है, ये मेरे ख्याल से इसमें पानी भर जाता होगा और इसी से इसकी सिंचाई होती होगी प्रोबेबली। ये नीचे दिखाना ज़रा, क्यों मंजीत, पानी होता तो तुमको हम इसमें कुदवा देते, ठंडी में मज़ा आ जाता। अब उतरते हैं नीचे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन अगर कुछ समझ में आती तो चलेंगे। अब सोच ही रहे हैं कि अगर आज कैंपिंग करें यहाँ पे या फिर लोहा घाट चल लें सीधे, तो अब वो डिसाइड करते हैं, उसके बेस पे आगे का दिन प्लान करते हैं। मिलते हैं अब छोटे से ब्रेक के बाद। A few moments later. हम लोग जो है अभी चंपावत में ही दूसरे लोकेशन पे आज कैंपिंग करेंगे, और ये लोकेशन है आपका गोरल चौर प्लेग्राउंड। तो बेसिकली ये जो है गवर्नमेंट का है और यहाँ पे कोई मना ही नहीं है। तो जिस टाइम हम लोग आए थे उस टाइम तो कोई नहीं था, थकान भी हो रखी थी, तो 1 घंटा मैंने थोड़ा रेस्ट किया और अब देख रहा हूँ तो पूरा ग्राउंड भर रहा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। एक बार दिखाता हूँ पीछे, तो इस किसी बच्चों को डिस्टर्ब ना हो तो ये छोटा सा कॉर्नर है एकदम आखिरी का, यहाँ पर इस कॉर्नर में ही हम लोग अपनी कैंपिंग करेंगे। खेल रहे हैं तो ये कम्प्लीट हो जाए इन लोगों का, मुझे लगता है आधा घंटा और खेलेंगे फिर हम लोग अपना प्रॉपर सेटअप करना शुरू करेंगे।
क्योंकि फिर बच्चे हैं, क्यूरियोसिटी जागेगी, तो कोई उनको डिस्टरबेंस ना हो और हमें डिस्टरबेंस ना हो, तो इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं अपने सेटअप करने का। और यहाँ पे हमने पूछा, जैसे यहाँ पे अगल बगल इधर दिखाओ, इधर जो है कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स वाला जो ऑफिस है उनसे पूछा, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। और भी एक आध लोगों से पूछ लिया, होम गार्ड से भी, तो किसी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ये कॉमन है और ये किसी का है नहीं कि जो है आके आपको बोले कि आप लोग रात में जाइए और ये वो, तो सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से सुबह सुबह वॉशरूम वगैरह जाना हो तो इधर एक बना भी हुआ है ग्राउंड पे, लेकिन आज मैंने देखा उस पर ताला लगा है, आराम से बस जल्दी जल्दी बना ले, मेरा पेट भी थोड़ा डिस्टर्ब है। आज तो तहरी बनाई जाएगी, कल चिकन हो गया ज़्यादा, और तहरी खा के फिर जो है सो जाएंगे और सारी चीज़ें लेकिन पैक करके सोएंगे। सुबह निकलेंगे और सुबह जब निकलेंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो नेक्स्ट वीडियो का भी वेट करिएगा। अब थोड़े से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, ताकि जैसे ही जो है ये थोड़े भीड़ भड़ाका कम हो और हम ये सेटअप कर सकें। ये बच्चों के जाने के बाद सूरज जो है ढलना शुरू हो गया है, तो कम से कम चीज़ें धोना पड़े, ये छोटा है पोछने में भी आसान रहेगा, और खिचड़ी बनानी है तो इसी पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दाल डाल देते हैं, मेरे को आइडिया है थोड़ा बहुत, बस बहुत है। अब इन चीज़ों को मैं दोनों जार को अंदर रख दे रहा हूँ, ठीक है, और अब बस सिर्फ नमक और हल्दी का काम है और किसी चीज़ का नहीं। उसके बाद मैं ज़रा धो लेता हूँ और जब इसको चढ़ाऊँगा तब वीडियो ऑन करता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भैया अपने हमने सारी तैयारी कर ली है, आज इसका भी ट्रायल हो जाएगा, अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, और ये बढ़िया होगा तो ये मेरे अमेजन के स्टोर पे भी मिल जाएगा, आप इसे खरीद सकते हो, प्लस ये कैन भी, ठीक है। फेस की आग ज़्यादा वॉल्यूम था, थोड़ा स्टार्टअप खतरनाक हो गया भाई, एक बार बंद करके देखता हूँ, ये हर बार ऐसा ही करेगा क्या। अब सही चला, अब आइडिया लग गया इसका, फर्स्ट टाइम था तो ये तो थोड़ा सा ब्लूपर बन गया। कोई बात नहीं, जीरा और उससे लहसुन का तड़का, मिर्च नहीं डालूंगा, मैं मिर्ची नहीं खाता हूँ। अब जो है ठंड कम लग रही है वैसे इस टाइम, और अभी आग जलाएंगे हम लोग वहाँ जा, कल 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 जो हम लोग घटोत्कच मंदिर के अपोजिट रुके थे रात में, वहाँ ज़्यादा ठंड थी, बहुत थी ज़्यादा। यहाँ कम्प्लीटली हम लोग जो है अभी तक आग नहीं जलाए, नहीं तो सबसे पहले आग जलाए होते हैं, और आराम से बैठे हैं, जैकेट वैकेट खोल के, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हवा भी नहीं चल रही है। गल गया बटर, अब इसमें डाल दूँ मैं थोड़ी सी हींग, पेट को करेगा फायदा और खिचड़ी में लाएगा स्वाद। नहीं डाल रहा हूँ मैं फटाफट, पानी डाल के मैं इसको ढक्कन लगा देता हूँ जल्दी से। भाई गिलास से ही थोड़ा बहुत आइडिया है, जो मम्मी ने सिखाया है उससे ज़्यादा हमें आइडिया नहीं है। अब एक बार चला के चेक करता हूँ, अब बस आँच थोड़ी मीडियम कर दूँ, ये साला मेरे को इससे थोड़ा तो डर तो लगता है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, है बड़ा बढ़िया चीज़ ये छोटा सा गैस, बट डर इसलिए लगता है कि इसी के बगल में ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर वैसे ठंडा है, गर्म नहीं हो रहा, तो डर तो लगता है। बस हो गया, अब मैं चीज़ें जो है अपना ये समेट लेता हूँ, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। अरे हमारा खिचड़ी निकल गया है, हम और मंजीत खा रहे हैं इस समय, बढ़िया बना हुआ है, मतलब थोड़ा ड्राई हो गया है पानी डालने के बाद भी, लेकिन आलू मटर गल गया है और जितना लाइट चाहिए था उतना लाइट है, दाल भी सही डाला, ये वो थोड़ा सा पतला होता तो और मज़ा आता, लेकिन एक्चुअली आग के पास रख दिए थे कि ठंडा ना हो, क्योंकि आग सेक रहे थे, तो थोड़ा आग की वजह से हमको लगता है ड्राई हो गया, लेकिन दोबारा पानी डालेंगे नहीं। 6:30 बजे तक उठ जाएंगे, 6:30 तक, तो 7:30 तक निकल लें, जाएंगे कम्युनिटी वाला जो सामुदायिक शौचालय है 400-500 मीटर मेन चौराहे के पास, वहाँ जाएंगे, फ्रेश होंगे और वहाँ से सीधे गाड़ी लेके भाग जाएंगे। भोजन हो गया है, ये देखो अपनी गाड़ी का सेटअप, इधर पीछे वो लाइट जली हुई है, हमने थोड़ा बाउंड्री के पास जान के लगाया, इधर देखो अपनी गाड़ी, उधर पीछे लाइटें जल रही हैं, USB लाइट है पावर बैंक में, ये भी आपको मेरे अमेजन स्टोर के पे मिल जाएगी लाइटें, और पावर बैंक वगैरह से लगा सकते हैं या डायरेक्ट USB केबल गाड़ी से जोड़ सकते हैं। खैर तो ये सेटअप हमने जान के दीवार के पास इसलिए अपनी गाड़ी लगाई कि थोड़ी एक साइड से हवा बचाएगा ठंड के, और इस साइड से भी इधर इस साइड भी प्रॉपर्टी है, सरकारी ऑफिसेज है, तो इस साइड से भी बचेगा। अब रहा सवाल इस साइड से हवा आएगी और इस साइड से आएगी तो वो झेला जा सकता है, और रहा सवाल टेंट का तो वो गाड़ी के उस साइड लगाएंगे, तो इधर की हवा बचेगी,
इधर की ऑब्जेक्ट, यहाँ का चारों तरफ का लोकेशन दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ, ये देखो पूरा ये जो स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्टेडियम कह लो, ये एक्चुअली में एक तरीके से स्टेडियम है, ठीक है। और ये रैन बसेरा बना हुआ है, जहाँ जो बेघर लोग हैं जिनके पास नाइट शेल्टर की जगह नहीं होती है, तो वो रैन बसेरा बना है। रैन बसेरा के आगे पब्लिक टॉयलेट बना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर ताला लगा हुआ है। ये लोकेशन जो है काफ़ी सेफ है, काफ़ी सही है, और यहाँ कंपेरेटिवली जो वो मंदिर के पास जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसके मुकाबले यहाँ ठंड भी कम। मतलब मैं देखो, मैं जैकेट भी खोला हुआ हूँ, खाली एक ये हुडी है और उसके अंदर इनर है, बस इतना ही है। और मैं आराम से आपसे बात कर पा रहा हूँ। थोड़ी ठंड लग रही है क्योंकि अब थोड़ी सी हवा चलनी शुरू हो गई है, लेकिन मैं तब से काफ़ी देर से ऐसे था। कंपेरेटिवली वहाँ का मुकाबले ऑब्वियसली वो जंगल का बॉर्डर था, वहाँ ठंड ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम है। उसके अलावा यहाँ एक छोटा सा स्टेज बना हुआ है, जो भी यहाँ पे कल्चरल वगैरह प्रोग्राम होते होंगे शायद उसके लिए बना हुआ है। बट ओवरऑल आप यहाँ जब भी आते हैं तो यहाँ पे एक ये इस तरीके का बना हुआ है चारों तरफ, जहाँ लोग रनिंग करते हैं, हर्डल रेस और बहुत सारे गेम्स, तो उनको डिस्टर्ब ना हो, उनके गेम में बाधा ना आए। और क्योंकि उनकी बॉल भी आपके पास आ सकती है। अब जहाँ मैंने लगाया, वो मैंने इतना लेट लगाया, फिर भी बच्चे एकदम समझ लीजिए अंधेरा हो गया था, तब तक स्टेडियम की लाइट जल गई थी, तब भी खेल रहे थे, उनकी बॉल ही बॉल मेरी गाड़ी से टकराई। अब सोचिए, वो मैं अगर टेबल पे खाना बना रहा होता उस टाइम, उससे टकरा जाता तो मेरा खाना बिखर जाता। तो गलती तो हमारी है एक तरीके से। तो हमको हमको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे गेम खेलने आए हैं बच्चे, उनकी गेम में डिस्टरबेंस ना हो, वो गेम खेल लें, घर चले जाएँ, तब हमको अपना सेटअप लगाना है। तो यहाँ आप नाइट स्टे कर सकते हैं, 2 दिन का कैंप लगातार, दिन भर कैंप लगा के नहीं रह सकते, यही मेरा कहना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा थी आज रात में, टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो है 0 डिग्री या 0 से कम गया होगा, क्योंकि सुबह तो 1 डिग्री देखा था मैंने, और बर्फ़ जम गई थी शीत की, आज भी कल से ज़्यादा जमी थी। और मौसम जो है बढ़िया हो रखा है, सुबह हम लोग ने रात में सब कुछ पैक कर रखा था, तो आज जो है अभी हम लोग निकलेंगे जागेश्वर धाम के लिए। यहाँ से करीब 3.5-4 घंटे का रास्ता है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जो शहर का बीचों बीच जो मेन चौराहा है उससे थोड़ा सा आगे वॉशरूम है पब्लिक वाला, तो वहाँ फ्रेश व्रेश होंगे, ब्रश करेंगे और फिर वहाँ से निकल लेंगे। यही फिलहाल प्लान है आज का। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, सनराइज़ हो गया है चारों तरफ का लोकेशन। दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करिएगा, तो ऑल पे क्लिक ज़रूर करिएगा, तो मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहा करें।